जी सोनू निगम वर्सेस भूषण कुमार, कौन सही है कौन गलत है आपकी नजर में? देखो जो जो सोनू बड़ा निगम साहब के जो एलिगेशंस हैं, क्या उसमें कोई बुनियाद है आपके लिहाज से? सोनू निगम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि इंडिया का सबसे बेहतरीन सुरीला आर्टिस्ट है सोनू निगम, और बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने अपने फैंस बनाए हैं, अपने दम पे बनाए हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। और जहां टैलेंट की बात करें तो उसके आगे कोई, आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में कोई उनसे बेटर सिंगर गाता होगा या गाएगा, इतना उन्होंने रियाज करा। अब बात आ रही है कि सडनली सोनू जी को गुस्सा आया कि हाँ जी मैं भी उठ के बोल दूंगा। पहली बात, सोनू निगम एंड भूषण कुमार हस्बैंड वाइफ है, अच्छा, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक ये सगे लवर भाई स्टिफ भी, है। एक सगे भाई है। मैं लिख के देता हूं, आज अच्छा, मैं इतनी बकवास कर रहा हूं, कल को आप देखना ये दोनों फिर एक हो जाएंगे। बिकॉज सोनू निगम को बनाने वाले भूषण जी के पिता हैं जिनका नाम है कुलचंद कुमार, उन्होंने बहुत, और ये हकीकत है, वो जब 500 रुपया लेते थे जागरण में गाते थे, वहां से उठा के उन्होंने इनको इतना बड़ा स्टार बनाया। बाकी इनकी मेहनत है, पहला जिससे ये वही आ गए कि 75 रुपये मैंने लिए लाइफ के अंदर और मुझे लाइफ में याद है। सेम सोनू जी को याद होना चाहिए कि यार इंडस्ट्री है। अब नेहा कक्कड़ लाओ, एक रियलिटी शो में नेहा कक्कड़ गाती थी, और मुझे, मेरी छोटी बहन की तरह, मैं बहुत सारे रियलिटी शो में नेहा कक्कड़ को मैं मिलाऊं, और बड़ा मन में था कि यार कभी कुछ बन जाए, इतनी टैलेंटेड है, नहीं बनी। एंड में उसको हेल्प किसने करी? भूषण कुमार ने। तो आप अपने ही पैरलर राग गदार, बिकॉज आपको गाना नहीं किसने दिया तो आप नाराज हो जाओ। और अभी दुबई में बैठे हैं मेरे बड़े भाई सोनू जी, नाराज मत होना, इनको अजान से प्रॉब्लम थी, अब भगवान कहता है 24 घंटे अजान सुनो वहां बैठ के दुबई में, और कोई ऑप्शन नहीं है, लाउड स्पीकर पे अजान ही सुनाई देगी और कुछ नहीं।